दिक्कतें, परेशानियाँ, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम कहा जाता है, हर किसी की ज़िंदगी में होती है, आती है, लाई जाती है या किसी के द्वारा दी भी जाती है, कुछ भी कह लीजिए। लड़कियाँ, शहर की लड़कियाँ, गांव की लड़कियाँ, जब आप इनकी तुलना करते हो तो इसके बीच में एक महीम सी रेखा होती है, जिसे आप कई दफ़ा संस्कार कहते हैं, कई दफ़ा प्रतिबंध कहते हैं, कई दफा कई लोग इसे इज्जत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिगड़ जाएगी शहर में जाके। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियां ये लोगों के द्वारा कई लोगों को दी जाती है। मुख्यतः इस प्रकार के जुमले लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गांव से आने वाली एक लड़की, नाम है विद्या। विद्या नागपुर में पढ़ाई भी कर रही है, इसके साथ साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद के खर्चे खुद उठा रही है, काम कर रही है, यूपीएससी क्रैक करने का सपना भी है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। बता रही थी कि फिलहाल में ही कोई यूपीएससी की कोचिंग का उन्होंने एंट्रेंस वेंट्रेंस भी क्रैक कर रखा है। इसके अलावा मल्टी टैलेंट है लड़की, ये सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट भी है, एमएसडब्ल्यू कर रही है। विद्या, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। हाँ, पहले तो आप अपनी जर्नी बताओ कि मतलब ये कैसे शुरू होता है, ये सारा जो सफर है आपका, कौन सी स्कूल में पढ़ी, अब तक के क्या क्या किया, एक ब्रीफ में एक जर्नी बता दो दर्शकों को। मैं 5th क्लास से अपने यानी मैं ग्रामीण भाग से हूँ, तो जो ग्रामीण भाग में हमारे 4th क्लास तक स्कूल था, तो हमें बाहर यानी ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो फिर हमें बाहर गांव जाना पड़ता था। तो फिर मैं बाहर गांव जाके पढ़ाई की, यानी 5th क्लास से 10th तक मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई की। फिर 11th 12th से फिर मैं बस से अप डाउन करके पढ़ाई की, और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं नागपुर आके पढ़ाई कर रही थी। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं नागपुर में कर रही हूँ, त्रिपुरे कॉलेज सोशल वर्कर। हाँ, तो ये सारी चीजें आपने अचीव की अपने बलबूते पे। अभी हम ये जानना चाहते हैं विद्या, कि जैसे कोई लड़की है तो गांव से शहर तक आना क्या सचमुच में इतना आसान होता है जितना हम समझ रहे हैं? मम्मी पापा को बोला और एडमिशन कर ली और नागपुर में रहने लगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता। यानी जो ग्रामीण भाग में जो लड़कियां रहती है उन यानी उनको शहर में आके रहना वो तो बहुत दूर की बात हो गई, पर वो सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर से ही सपोर्ट नहीं मिला तो वो खुद सोच भी नहीं सकेगी। क्योंकि उनको पता रहता है कि मैं अपने घर में शेयर यानी मम्मी पापा को बताऊंगी तो डांटेंगे या नहीं बोलेंगे, ऐसे उनको यानी डर रहता है, तो वो सोचने के लिए भी डरते हैं, आने की तो बात दूर ही रहती है। तो कैसे होता है ना, यानी कोई अपने समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं कि वो ग्रामीण भाग में जाके यानी शहर में जाके तो कौन सी पढ़ाई करेगी, कौन सा तीर मारने वाली है, ऐसे भी बात करते हैं। और घर के लोग बोलते हैं कि यानी इतने मेरे औकात नहीं है कि मैं तुझे शहर में जाके शहर में भेज दूँ और तुझे पढ़ाई के लिए पैसे दूँ, इतना मेरे पास नहीं है बेटा, ऐसे भी वो बोलते हैं। तो उससे यानी बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल यानी प्रॉब्लम बहुत रहती है ग्रामीण भाग में ऐसा। हमको बताओ, जैसे मतलब सोसाइटी वोसाइटी का प्रेशर वेशर होता है, ये सारी चीजें, तो इसके कारण क्या है विद्या? मतलब कारण क्या है, जैसे क्यों होता है ये सारी चीजें? जैसे आप बता रही थी ना कि जैसे आपकी उम्र की लड़की अभी होगी, मतलब 15 15 16 16 साल में बच्चियों की शादी वादी करवा देते, 18 19 साल के होते तो बच्चे हो जाते हैं उनके, और ऐसा क्यों होता है, मतलब ये समझना चाहते हैं हम लोग। एक कैसे होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ के लोग वो सोच रहे थे ना, थोड़ा कैसे रहता है कि अभी मेरी लड़की इसकी शादी की अभी उम्र हो गई है, तो अभी उसकी शादी करके यानी हम फ्री हो जाए, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि फ्री हो जाए, उनको एक डर रहता है कि वो अभी कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है ना, तो उनको लगता है कि अभी उम्र हो गई है तो भाग तो नहीं जाएगी, मेरा नाम तो नहीं खराब कर देगी, ऐसी भी एक सोच है उनकी, ऐसा भी उनको लगता है। तो और एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनको ये भी लगता है कि अपने लड़की को पढ़ा के मैं क्या करूँ, वो क्यों दूसरे घर में जाने वाली हो तो मुझे क्या देगी वो, ऐसे भी सोच के लोग हैं हमारे समाज में। तो इसकी वजह से भी वो बाहर नहीं भेजते, और मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूँ, पर वो लड़के के लिए तो जरूर करते हैं।
इतना भी हमारा यानी हमारे समाज में होता है, लड़के के लिए इतना नहीं सोचते, पर लड़के के लिए सोचते कि मेरा लड़का पढ़ाई करेगा तो मुझे दे सकता है क्योंकि उनके पास हम रहेंगे, हमारे पास तो बाहर तो जाने वाला नहीं है, ऐसा उनको लगता है, स्वार्थी ये ऐसा होते हैं, नहीं है। हाँ माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं। माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं, यानी मैंने खुद देखे भी है, एंड मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है, पर हमारे यानी आजू बाजू के तो लोग ऐसे है, क्योंकि मेरे खुद यानी दूसरे बड़े पापा की लड़की है, वो बाहर यानी मेरे साथ नहीं आ सकी क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की पर नहीं समझा पाई, वो नहीं मुझे वो समझ ही नहीं पाई मुझे। सही बात है, वो समझ ही नहीं पाए। सही बात है, आप तो समझा सकती हो, आप इतने काबिल हो समझा सकने लायक, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमको बताओ विद्या, जैसे ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये क्या सुधार नहीं लाया जा सकता? यदि सुधार लाया जा सके, जैसे आप गांव से ही हो, तो मतलब समझो कि कल जाके गवर्नमेंट या कोई भी कुछ काम करना चाहे इस क्षेत्र में कि गांव की लड़कियां शहर में आगे पढ़ सके, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि ये सिचुएशन ठीक हो, मतलब पेरेंट्स तैयार हो कि वो अपनी बच्चियों को शहर पहुंचाएं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और दूसरी चीज इतनी छोटी सी उम्र में शादी ना करें, क्योंकि ये भी तो सोशल क्राइम है कि आप बच्चियों की शादी करवा रहे हैं। एक कैसा है ना भैया, कैसे माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, यानी समझा तो सकते हैं पर बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए कैसे होता है, जैसे अपने गांव से एक लड़का ने लड़की भी कुछ गवर्नमेंट जॉब पे लगी ना, तो आसान हो सकता है कि वो यानी मेरे जैसे तो कुछ बन सकती है आपकी लड़की, ऐसा उनको बोल सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं हुआ तो कैसे यानी हम कोई यानी जैसे मोटिवेट कोई जैसे आपके जैसे कोई रहे तो हम उनके द्वारे भी उनको समझा सकते हैं, जैसे कोई यानी मीटिंग वगैरह करके यानी पेरेंट्स मीटिंग करके गांव में यानी होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे इधर कैसे होता है ग्रामीण भाग में यानी कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है उनको, बस काम धंधा खाओ पियो सो जाओ ऐसे रहता है। तो जो कैसे अभी लड़की को कैसे एजुकेशन यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए उन्हें यानी मार्गदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है, यानी एक मीटिंग द्वारे वगैरह ये आसान हो सकता है, बार बार यानी समझाने से वो समझ सकते हैं, हर एक सिचुएशन के बारे में समझ सकते हैं, यानी लड़की की जो स्थिति है अभी की, उनको कितना अपने पैर पे खड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है, वो स्थिति उनको समझाने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये पहला वाला मुझे भी सही लगा कि कुछ अच्छा कर दिखाए लड़की, तो फिर ये बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है कि चलो एक्सप्रेशन इन्होंने बन कर, जाता है ये हम भी करेंगे। तुम बोल रही थी कि मेरे जैसे लोग, मेरे को हंसी आ रही थी खुद पे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको भी ऐसी कोई लड़ाई वगैरह लड़नी पड़ी आने के लिए, ऐसा कुछ स्ट्रगल था आपका भी? यस भैया था स्ट्रगल था, बताओ यार। कैसे मेरे पापा मेरे घर में हम दो तीन बहन एक भाई है और मम्मी पापा है, तो सबसे तो ज्यादा मेरे पापा समझदार है, तो मुझे ज्यादा तो थोड़ी उनको समझने में एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लाइफ में भी कि उससे मुझे लड़ना पड़ा, तो उस स्थिति में मुझे सिर्फ समझने वाले मेरे पापा ही थे, तो मुझे तब उस स्थिति में लगा था कि अभी न यानी जीना ही नहीं है मुझे, ऐसे ये लगा था मुझे, ऐसी सिचुएशन आई थी मुझे, वो पर्सनल है बट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, तब मुझे कोई मेरे पापा ने मुझे मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, कोई दिक्कत तो मतलब ऐसा हो जाता है कि कई बार दिक्कतें आ जाती है। अच्छा हमको ये बात बता, हमारे काम की बात है, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो जैसे अभी विद्या तो आ गई है ना, वो पढ़ भी रही है खुद की इच्छा से, जैसे कोई बच्ची है जिसका 10वीं हो गया 12वीं हो गया, वो शहर आना चाहती है, तो वो कन्विंस करना चाहे उसकी फैमिली को, तो यार कोई अच्छा सा हमको कोई मंत्र वंत्र बता दो, टिप्स वगैरह दे दो कि वो किस तरीके से कन्विंस कर सकती है, या है ना। कैसे होता है जैसे एक ऐसे है हमारे गांव में भी, तो मैं ऐसे खुद दो तीन लड़के के यानी पेरेंट्स से मिली हूँ, तो उनको मैंने बताया है कि अपने ग्रामीण और अपने इधर का एजुकेशन और सिटी यानी शहर का एजुकेशन में कितना डिफरेंस है, तो वो थोड़ा समझ गए, यानी जो डिफरेंस रहता है ना अपना एजुकेशन का, उनको समझाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इधर कैसे होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक
ठीक है, कैसे रहता है कि माँ बाप अपने काम से काम रहते हैं, आती है लड़की, लड़का आता है अपने बैग फेंक देता है और खेलने कूदने जाता है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं रहता उनको पढ़ाई पे। तो कैसे होता है जैसे शहर और यानी ग्रामीण भाग में और सर अपने सर में जो एजुकेशन होता है तो बहुत डिफरेंस होता है, तो उनको समझाना बहुत यानी तरीके होते हैं। आज तक तो मैंने उस सिचुएशन में बताया है उनको कि ऐसा होने के बाद आपकी लड़की यानी शहर में आएगी तो इतनी ऐसे पढ़ाई करेगी तो आपको यानी आपका भी नाम रोशन होगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप यानी आप अपना ही देख रहे हैं। और जैसे हॉस्टल भी रहते हैं तो आप हॉस्टल में भी एडमिशन कर सकते हैं उनका, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा किसी को कन्विंस किया है तो कुछ दो पेरेंट्स माने मान गए थे। उनको क्या लगता है पता है कि जैसे लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरी जान जी जान लगा के। अब जैसे जी जान लगा के पढ़ेंगी है ना तो बहुत अच्छे नंबर वंबर आ जाएंगे उनके, फिर उनके नंबर ही उनका प्रूफ होगा कि देखो भैया हमने 80-82% लाए, 90 लाए, ऐसे लाए वैसे लाए, है ना, क्योंकि अब पढ़ाई अच्छी की है तो आपको मिला है। या तो फिर कुछ ऐसा करो, आपको वो बताने की जरूरत नहीं हो, वो आपका काम जो है वो प्रूफ करे कि देखो यार अभी तो फिर मतलब हमको पहुंचा दो आप कुछ भी करके, यदि फिर भी नहीं पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है, हर जगह लड़ाई होती है तो आपको लड़के झगड़ के किसी तरीके से कि देखो यार एजुकेशन ना मैटर करता है बहुत, है ना, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसे ही लगता। और फिर मतलब वो किसी तरीके से शहर आ जाए और अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर ले, या गाँव में आजू बाजू अच्छा स्कूल हो कुछ हो तो पढ़ाई कर ले, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो पहले अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप ना प्रूफ करते जाओ, जैसे अभी विद्या ने प्रूफ करा पढ़ाई में अच्छी थी वगैरह, तो आपको ज्यादा मुंह से बात करने की जरूरत नहीं होती है किसी से, आपका जो किया गया काम होता है वही आपका एक सबूत होता है ना, सबूत होता है। यस यस भैया, हाँ हाँ सही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को इतना पता नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या फर्क लगता है गाँव की जिंदगी में और शहर की जिंदगी में? ग्रामीण और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है भैया। जैसे हम जैसे मैं शहर में आई तब से बहुत यानी फ्रीडम यानी मैं बहुत फ्री रही, जैसे कुछ बाहर जाना है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, नहीं तो कैसे घर में रहा पापा मैं इधर जा रही हूँ पापा उधर जा रही हूँ यानी बताना पड़ता है, ठीक है, छोटी छोटी बात के लिए। और शहर में आई तो अपने काम के लिए खुद जाती हूँ, जैसे ग्रामीण भाग में कैसे होता है ना मुझे बाहर जाने के लिए पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, पापा मुझे काम करना था आप मेरे साथ आएंगे क्या, तो पापा के साथ लेना पड़ता था। अभी जब से शहर में आई हूँ तब से यानी खुद का काम खुद कर रही हूँ यानी सेल्फ डिपेंड हुई। ग्रामीण भाग में यानी दूसरे पे डिपेंड थी यानी फैमिली पे डिपेंड थी कि मेरा काम मेरे पापा कर देंगे, मेरे फैमिली को कोई सदस्य कर लेगा। अभी शहर में आई हूँ तो यानी अपने खुद डिपेंड यानी मैं सेल्फ डिपेंड हूँ कि मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, स्वावलंबी बन गई। बहुत फर्क है। और जैसे इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क है, हमारे जैसा ग्रामीण भाग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा भी है यानी जैसा जो ग्रामीण भाग का बहुत धूल वगैरह रहता है तो हमारे इधर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत डिफरेंट है। कुछ मतलब हर जगह के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं ऐसा मेरे को लगता है ना। जैसे विद्या मेरे को एक बात बताओ कि अब भी जैसे आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो जैसे आपको मतलब ऐसा टेंशन वेंशन आता है कि जैसे कई लोगों से बात करो ना तो बताते कि टेंशन भी आता है यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हम एक तो गांव से फिर शादी वादी करा देंगे, तो जब ऐसा टेंशन आता है तो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब दिक्कत बहुत क्या बोलते प्रॉब्लम रहती है यानी आती है ऐसे से जो बोलते सोचे ना बहुत यानी दिमाग में आ जाती है कि इतने साल हुए मैंने अब तक किया नहीं, फिर अभी शादी तो नहीं कर देंगे, ऐसी सोच आती है। तो फिर ऐसा सोच लेती हूँ कि अभी नहीं किया है अभी तक तो यानी मैं तो कुछ कर तो रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, ये तो मेरी शुरुआत है, मैं तो अपने लाइफ जी रही हूँ, कुछ तो नया सीख रही हूँ, कर लूँगी, ऐसे यानी खुद को बताना पड़ता है। ये तो फिर वो बहुत यानी बहुत कैसे बोलते दिमाग में बातें आती है, घर की सिचुएशन याद आती है, घर के लोगों की याद आती है कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, फिर यानी बहुत है। फिर अब मेरी उम्र भी हो रही है तो मैं कैसे करूँगी, ऐसे भी विचार आ जाते हैं। तो उस टाइम ऐसे यानी खुद को बताना पड़ता है कि विद्या कर लेगी तू यानी हिम्मत रख,
ऐसे खुद को बोलना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। मैं बताओ, ये आपने फिर सोशल वर्किंग वगैरह का फील्ड चुना है, मैं डब्ल्यू वगैरह कर रही हूँ, किसी का यस रीजन भी यस, था? क्या बोले भैया? सोशल वर्क वगैरह कर रही हो, मतलब सोशली भी एक्टिव रहती हो, एमएसडब्ल्यू कर हाँ रही हो, ये मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों चूज किया? यस यस, ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए बात है कि जैसे मैं, हम समाज में रहते सभी, पर कहते समाज भी डिपेंड, यानी समाज पे भी डिपेंड करता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, यानी समाज के लोग भी थोड़ा अलग अलग रहते हैं। तो जिस समाज में रहते हैं, मैं ग्रामीण भाग में हूँ, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन मैंने देखी है कि ऐसा तब लगता था कि विद्या तू ये देख रही है पर कुछ कर नहीं रही है, यानी खुद को एक सवाल खड़ा हो जाता था। ठीक है, तब लगता था कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने समाज के लिए, यानी खुद तो समाज के लिए, तो यानी ऐसे बहुत सवाल आते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई कोर्स नहीं, कोर्स होगा, तो फिर मैं 11th 12th में रही, यानी 11th 12th में जब जाई तो गई, तो फिर मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला, तो फिर मैं उसके तरफ बढ़ गई। तो फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मैंने सोची कि अभी मैं क्या करूँ, मैंने आपको भी पूछा था कि अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे बहुत सवाल आते थे। तो फिर मैंने, एक दीदी थी एमएसडब्ल्यू कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एमएसडब्ल्यू में ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है, मैं यूपीएससी तो कर रही हूँ, बट यूपीएससी जब एंट्रेंस फिर एग्जाम दूंगी, फिर कुछ करूंगी, तब मुझे वो सिचुएशन हैंडल करने यानी कर लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं एमएसडब्ल्यू में अभी से, यानी एमएसडब्ल्यू करूंगी तो अभी से सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं ये मैं सीख लूंगी। फिर मैं एमएसडब्ल्यू इसलिए यानी चॉइस की कि मैं एमएसडब्ल्यू में जाने के बाद यानी पर्टिकुलर व्यक्ति, यानी आदमी व्यक्ति से यानी अपनी मुलाकात होती है, उनकी हर प्रॉब्लम हमें यानी सिचुएशन जो भी हम मालूम कर लेते हैं कि कैसे जी रहे हैं, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी ऐसे फेस टू फेस बात होती है। और एक बैकअप भी हो जाता यस है यस, ना, हाँ बैकअप भी हाँ हो जाता है। तो मेरे को बताओ कि जैसे आप ना बता रही थी, कुछ एक्सपीरियंस बता रही थी कि आप अभी कहीं गई थी है ना 10-15 दिन पहले, वो थोड़ा सा बताओ यस तुम जो बता रही थी। हाँ, तो अब हमें, अभी मैं एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हमें सेकंड सेम में प्लेसमेंट रहता है, समय इंटर्नशिप रहता है, एक एनजीओ हमें चॉइस करनी पड़ती है वहाँ पे। तो हमने गढ़चिरौली जिला का कुरखेड़ा एक तालुका है, वहाँ पे हमने चॉइस की थी आम ही आमचे आरोग्यासाठी, ये संस्थे इस एनजीओ का नाम है, आम ही आमचे आरोग्यासाठी। तर हम हमारे वहाँ पे गए थे। हमें क्या भैया? ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था ना, हम ही हमसे आरोग्य साथी, हम ही हाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए। यस यस, तो हम वहाँ पे गए थे, तो वो ट्राइबल एरिया है, तो एक डर लगता था हमें कि इस एरिया में हम आए तो है पर कैसे कर लेंगे, क्योंकि एक डर रहता था ऐसे कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं नक्सलवादी लोग हैं ना, तो जैसे कुछ हम गवर्नमेंट के आदमी तो नहीं है, ऐसा सोचेंगे वो हमें उड़ा तो नहीं देंगे, हमें ऐसा लगता था वहाँ जाने के बाद। तो अच्छा, फिर हाँ, उनके साथ फिर काम करने के बाद हमें आदत हो गई, यानी लोगों से कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो सच में वहाँ के जो लोग हैं ना, यानी हमारे इधर के लोग ज़्यादा, उनको ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनका जो गाँव है वो डेवलप तो नहीं हुआ है, पर उनकी जो स्थिति है, यानी क्या बोलते हैं, सोचने, अपना सोचने की। बात करने, यानी जो जो भी है उनकी जीवन शैली बोलते हैं, वो बहुत चेंज है, यानी बहुत डिफरेंस है, यानी वो खुद पे खुद अच्छा, डिपेंड है, यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं, हम आके हमें गवर्नमेंट देगा, हम उनकी स्कीम लेंगे, यानी ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सिचुएशन है कि वो खुद हैंडल करते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी दिखे हमें। आपने क्या क्या किया, कैसे हेल्प की उन लोगों की? अच्छा, हमने वहाँ पे क्या बोलते हैं, हेल्थ के लिए हम सर्वे कर रहे थे वहाँ पे, यानी हेल्थ इशू के लिए कि गांव में कौन से हेल्थ के इशू आते हैं। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम आए कि वो बहुत 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 तकलीफ में जीते हैं वो, जैसे कोई पानी की भी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, तो पानी की वजह से कि उनको भी स्किन प्रॉब्लम है, जैसे लड़कियों को तो बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे, यानी एमसी पीरियड के
के लिए तो बहुत सिचुएशन वहाँ की खराब है, वहाँ पे उन्हें गाइडेंस देने के लिए इस के लिए ना क्या बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे यानी क्लीन कैसे रहना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, ये बात भी उनको यानी खुद बतानी पड़ती है। ठीक है, पर्सनल होके भी, क्योंकि उनको पेरेंट्स भी है तो कैसे पढ़े लिखे नहीं है तो वो भी नहीं बता पाते कि ये कैसे रहते हैं, क्या आती है, तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं, उनको पीरियड आती है कि नहीं आती है हर मंथली, वो भी यानी नहीं पूछते हो। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे हम हमारे जैसे कोई लोग जाए, उनकी हेल्थ को कोई इशू है जो उनके पूछ यानी पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो हमने पूछा सब, ये सब पूछने के बाद हमें बहुत प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे जो यानी लड़कियाँ हैं, ऐसे 2-3 लड़कियाँ हमें मिली कि उनको गर्भपिशी भी नहीं है, ऐसे भी प्रॉब्लम उनको आया, ऐसे भी हमें दिखे। तो हमने इस तकलीफ में इस यानी सॉल्यूशन निकाला कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम जैसे पानी की वजह से बहुत पानी खराब था, तो उनकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आ सकते हैं उनको, और जैसे आहार भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है उनके वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसे बहुत प्रॉब्लम दिखे हमें। तो ये मतलब सर्वे करने गए तो ये सारी चीज़ें पता चली कि पीरियड्स प्रॉब्लम वगैरह जब लड़कियों की होती है तो वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता है। दूसरी चीज़ नहीं आप होता है। पानी के कारण बहुत सारा हेल्थ इश्यू है, तो यार फिर ये मतलब गवर्नमेंट वगैरह करती क्या है, मतलब कुछ करते नहीं है, इनको पता नहीं है। जैसे अब आप जैसे लोग सर्वे कर सकते हो तो गवर्नमेंट के पास तो अथॉरिटी है, वो तो कर सकती है, तो क्यों नहीं यस करते, यस क्या रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीजन कैसे होता है अभी तो हमने सोचा ही नहीं, मैंने सोचे थे कि ये डर रहे यानी उस एरिया में कि जो ग्रामीण यानी क्या बोलते गवर्नमेंट स्कीम है ना, स्कीम वो नहीं लागू करते है यानी हमें लेनी नहीं है, ऐसे बोलते हैं खुद जो गांव के लोग है ना, वही बिल्कुल बोलते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट की स्कीम है हमें नहीं लेनी है, आप अपने पास ही रखिए, ऐसे खुद बोलते हैं भीख वीख टाइप का दे रहे, ऐसा कुछ लगता होगा उनको। ऐसा। हाँ ऐसा कुछ लगता है उनको। अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे कि जैसे आप बता रही थी, यदि आपको ठीक लगे तो फिर हम लोग करते इस पे बात, नहीं तो एडिट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था जैसे आप बता रही थी पीरियड्स प्रॉब्लम वगैरह के बारे में, तो गांव में अक्सर क्या होता है ना कि लड़कियों को दूर दूर रखा जाता है, ऐसे खाना वाना बनाने नहीं दिया जाता है। शहरों में भी होता है, जो पिछड़ी मानसिकता के लोग होते हैं। यार मेरे को ये जानना ही होता क्यों है, मतलब पहले मतलब इतना कोई कैसे क्या सोच सकता है, वो ये क्यों होता है? और कई कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब वो लोग गाँव के बाहर पहुँचा देते हैं बच्चियों को, फिर बलात्कार वगैरह का भी चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ये सारी दिक्कतें आती है। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ना समझाओ खुल के, थोड़ा ऐसा क्यों होता है और इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ऐसा क्यों होता है कि जैसे अपने क्या बोलते हैं आजूबा पंजूबा से ये तो क्या बोलती है परंपरा परंपरा हाँ ये परंपरा आई है कि उनको लगता है कि इस सिचुएशन में जैसे पीरियड आया है तो लड़कियों को यानी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्या बोलते हैं खुद यानी घर में भी नहीं रखते थे। जो हम प्लेसमेंट के लिए गए ना भैया, वहाँ पे एक गांव है यानी क्या बोलते आरमोरी तालुका है, वहाँ पे अभी बोला ना आपने कि बाहर रखते घर के बाहर, तो वहाँ पे अभी भी सिचुएशन है कि पीरियड आने के बाद भी उनको एक पहाड़ी पे झोपड़ी बना के दिए हैं, वहाँ पे लड़कियों को रखते हैं। और पता है क्या, झोपड़ी इतनी छोटी है कि जैसे बारिश के टाइम में कुछ वहाँ पे फिर बारिश आती है तो फिर वो पानी गिरता है तो फिर वो सो भी नहीं पाते हैं, तो फिर रात भर वो जगह ऐसे बैठे चुपचाप रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनके लिए वॉशरूम की भी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ पे जंगल भी है, फिर इस टाइम में एक एक डर रहता है कि कोई जंगल प्राणी भी आ सकते हैं ना, ये भी सिचुएशन वहाँ पे है, अभी भी है, अभी भी गई नहीं है। तो पहले से ये बोल रहे थे कि हमारी दुनिया से एकदम अलग दुनिया है वो तो। हाँ भैया, अभी भी वही सिचुएशन है कि कैसे कैसे अवेयरनेस करना चाहिए पता नहीं, क्योंकि वो जो संस्था है ना, हम वहाँ पे गए थे एनजीओ, वहाँ के लोग तो बहुत गए वहाँ पे, उनको समझाया है पर इतने जल्दी उनके दिमाग का अंदर का भूत निकलने वाला नहीं है वो तो बहुत टाइम से भरा है। जो वहाँ पे लड़की है वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करती ही नहीं है क्या, कुछ भी? पढ़ाई करती है पर जैसे अब जैसे 7वीं 8वीं 7th 8th खूब हुआ यानी बहुत हुआ उनका बस। बताओ जैसे तुम भी एक लड़की हो है ना, तो ये सारी चीजें हमको इरेडिकेट करनी है, सारी चीजें हमको खत्म करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसा जो ये सारी फर्जी चीजें खत्म हो जाए? जैसे हमको जैसे पता है कि बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया जाता है अभी भी
जो गंदा वंदा कपड़ा वपड़ा देते हैं पीरियड्स वीरियड्स के टाइम पे, तो उससे भी बहुत सारा मतलब इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो वगैरह जाता है। हाँ सारा, मतलब इतना हम लोग इतने घटिया सिचुएशन में क्यों है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, फलाना हमका ढिकाना, आज हर किसी के पास मोबाइल है, नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी हम ये झूठी खोखली परंपराओं से बाज क्यों नहीं आ रहे है? आपको क्या लगता है? मैं आपको एक अने क्या बोलते एग्जांपल देती हूँ भैया, कैसे एक हाथी की कहानी। ये छोटा हाथी था ना, वो कैसे खूंट पे बांध के एक मालक ने रख दिया था। तो वो कोशिश करता था कि मैं छूट जाऊँ यहाँ से, अपने कहने वो क्या बोलते अपने वो उठाने की कोशिश करता था, ठीक है। वो तो छोटा ने बड़ा 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 फिर बड़ा होते चला, तो उनको यानी उससे पता था कि अभी मैं कितनी कोशिश करूँ यहाँ से छूटने वाला नहीं हूँ। पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि अभी मैं तब छोटा था पर अब मेरी ताकत बढ़ गई है, तो अब मैं ऐसा करूंगी तो मैं छूट सकता हूँ, ठीक है। पर उसने वो कोशिश नहीं की क्योंकि वो एने वो सोचा ही नहीं, ठीक है। पर ये सिचुएशन अभी भी नहीं क्या लड़कियों में है। हम उनको बदलाने की कोशिश करते हैं पर वो खुद बदलने की यानी कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो इतना भरा है कि हमारे यानी परंपरा से ही हमें बाहर रखा जाता है, तो हम वो कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा है। उनको लगता है कि वो यानी वो क्या बोलते हैं, औरत भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम ठीक है, हम अच्छा लगता है कि हमें बाहर रखते हैं भी अच्छा है। वो खुद चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे भी लड़ यानी ऐसी सिचुएशन अभी है। आदत से मजबूर है मतलब अभी। हाँ तो तो ये सारी चीजें बचपन से ही दिमाग में डाल दी जाती है क्या? यस यस बस यानी बचपन से दिमाग में डाली जाती है, इसके वजह से वो खुद चेंज नहीं हो पाते हैं। इसके लिए फिर खुद यानी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, वो भी एक बार नहीं बार बार करना पड़ता है, तभी वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। ये आप मतलब सोचिए अब तो जाने। हाँ हमारे घर में भी तो वही सिचुएशन है ना भैया। अब मेरे खुद के घर में भी वही सिचुएशन है कि जैसे मेरी बहन वगैरह हम पीरियड में हुए तो खाना नहीं बनाना, भगवान को दिया नहीं लगाना, भगवान के पास जाना नहीं। पर मुझे यही सवाल पड़ता है, भगवान ने दिया है तो आप भगवान के पास जाने के लिए क्यों को रोकते हो? पीरियड नहीं आए तो वो भी आपको प्रॉब्लम है, पीरियड आए तो वही भी प्रॉब्लम है, कैसे जिएंगे औरतें? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ना आप इन नेचुरली गोष्ट है यानी नेचुरली तो समझना चाहिए हर एक यानी आदमी तो ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं हम आदमी को ही यानी क्या बोलते कोसते हैं कि आदमी की वजह से होता है, पर ये गलत है। औरत भी खुद को बदलाने की कोशिश नहीं करती है, उस सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में रहना चाहती है वो। तो ना मैं समझना चाहता हूँ क्यों। जैसे है ना, ये बड़ा आसान होता है कि ब्लेम कर दो और बोल दो कि पुरुषों ने महिलाओं को बहुत परेशान किया, अत्याचार किया, सदियों से परेशान करके रखा। हाँ चीजें देखता हूँ कि जैसे देखो, जैसे आप इन प्रॉब्लम से गुजर रही हो तो आपके पापा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके मम्मी वगैरह बोल देगी, आपकी बड़ी बहन है तो वो बोल यस देगी। यस मम्मी बोलती है, पापा तो नहीं बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बहन को बताती हूँ खाना बनाना है ऐसा वैसा, तो ही बोलती है तू बाहर जाके क्या ज्यादा पढ़ा लिख के आई है क्या, हमें सिखाएगी क्या तू, ऐसे बोलती हो। 2 की 4 किताबें पढ़ ली है तो बहुत बड़े हो गए, सिस्टम के बहुत टॉयलेट बढ़िया थोड़ा। हो गया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें फर्जी है, इससे कुछ भी नहीं होता है, तो ये सारी चीजें मानना वानना नहीं चाहिए किसी ने। जो मान रहा है बहुत गलत कर रहा है ना। मतलब हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अब आप जो चीज को ब्लेम कर रहे हो उसी से दुनिया चल रही है और आप उसको ब्लेम कर रहे हो। दूसरी बात, मतलब भगवान के पास इतनी फुर्सत थोड़ी ना है कि वो ये सारे फर्जी नियम बनाते रहे कि किसी को पीरियड वीरियड आया है तो उसके पास ना जाए, है ना। तो वो तो मतलब सब कुछ रिकवर करेगा, और पीरियड आएंगे ही नहीं तो बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो फिर मतलब दुनिया ही खत्म है। तो मतलब ये लॉजिकली नहीं है, ये मतलब बड़ी बेकार सी बात है। ये तो हो गया इस किस्म में। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके साथ साथ अभी अपने एंट्रेंस वेंट्रेंस क्रैक किया था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो, होशियार तो तुम हो ही है, तो मतलब पता ही है एंट्रेंस क्या एंट्रेंस था। मतलब बाकी लोगों को भी जानकारी मिले ना कि जैसे ये बच्ची क्रैक कर सकती तो वो भी कर सकते, और किस किस प्रकार का स्कीम था बता दो उसके भी बारे में, फिर मैं आपसे कुछ और अच्छा पूछता हूँ। एंट्रेंस यूपीएससी में एंट्रेंस ऐसे पूछ रहे क्या आप? हाँ, वो जो आपने एक प्री एग्जाम क्रैक किया था जिससे आपको ऑनलाइन कुछ सिलेबस वगैरह नहीं नहीं प्रोवाइड। भैया। अच्छा, वो महाज्योति की एग्जाम थी, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू की है पिछले साल से। तो
वो एग्जाम कैसे है, कोई लड़की यानी लड़के की सिचुएशन नहीं रहती कि साम यानी पढ़ाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा बुक्स ले नहीं सके तो यानी क्लास भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो उनके लिए ये एग्जाम उन्होंने क्या बोलते स्कीम लगा ली है। तो एंट्रेंस एग्जाम में होती है कि उस एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे यूपीएससी में और एमपीएससी के दोनों भी होते हैं, जिसको एमपीएससी के लगाने वो भी एमपीएससी के लगा सकती है, यूपीएससी के भी लगा सकते हैं। तो उसी डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी पर क्लियर हो गई है, तो मुझे फिर क्लियर होने के बाद मुझे उन्होंने टैब प्रोवाइड किया है ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर ऑनलाइन और फिर बुक भी प्रोवाइड किए हैं। हाँ अच्छा, किताबें भी प्रोवाइड करी। तो यदि कोई हाँ लाभ लेना चाहे तो ले सकता है, कोई वेबसाइट वगैरह यहाँ पे तो। हाँ महाज्योति.com करके अभी फॉर्म शुरू हो गए। आप यानी अपने फ्रेंड को भी आप बता दीजिए, अपने स्टूडेंट को भी आप बता सकते हैं ठीक है, ये अभी मतलब जस्ट। तो ये मतलब लड़कियों के लिए है क्या, लड़कों के लिए भी है? नहीं, लड़का और लड़की के दोनों के लिए भी है, इतना भेदभाव क्यों होगा अभी अच्छा, ऐसा दोनों है मतलब। के लिए भी लगना चाहिए ना। हाँ सही बात। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना सब कूट कूट के टैलेंट है, तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? मतलब ये कहाँ से इतनी सारी चीजें सीखती हो कि यार, मतलब ना मेरा ऐसा मानना है, जब भी कि कोई गांव की बच्ची कुछ करती है तो उसके पीछे ना सचमुच बहुत ज्यादा मेहनत है। वो उसको यूं ही नहीं मिलता, जैसे अभी शहर की लड़की को कुछ प्राप्त करने के लिए इतना कुछ खास नहीं करना पड़ता, लेकिन गांव की लड़की को छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती, हर जगह लड़ाई लड़नी है। तो ये लड़ाई में मतलब आप अपने आपको कैसे मजबूत रखते हो, बेहतर कैसे बनाते हो, और वही ये सारा टैलेंट आपके अंदर है, इसके पीछे का सीक्रेट बता दो क्या है? सीक्रेट ये भैया कि हमें जो सिचुएशन आती है वो हैंडल है ना खुद को ही करना है, ये खुद को बताना पड़ता है। विद्या ये तू जी रही है ना, ये तू कर रही है ना, ये तुझे ही हैंडल करना है, कोई करने वाला नहीं है, ये खुद को बताना पड़ता है। फिर जो भी सिचुएशन आती है ना यानी थोड़ा प्रॉब्लम तो आ जाता है कि कैसे हैंडल करूँ, किसका यानी किसको पूछूँ कि कैसे करूँ क्या करूँ, पर कैसे होता है किसी के पूछने के बाद किसको अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, पर यानी खुद सोचना पड़ता है इस बात के लिए कि मैं कैसे कर सकती हूँ। कभी कभी तो कोई सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है भैया कि मैं कभी रात रात सोती भी नहीं हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं, यानी सोचना पड़ता देखो, है। पहली चीज ना, टेंशन वेंशन लेने से मतलब मेरा मानना है अपना खुद का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है, तो यार ऐसा मत लेते जाओ, है ना। अभी देखो तुम यहाँ से इतना कर सकती हो तो आगे भी कर ही सकती हो, है ना। और समझो यूपीएससी नहीं भी हो गया यार, मतलब तुम इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, इतना बढ़िया कर रही हो, हाँ है ना, कितना मस्त कर रही है। इतना करना भी बहुत, देखो ना कई आपके गांव में कितनी लड़कियां होगी जो यहाँ तक की आ पाई, नहीं आ पाई ना, आप आ गई, आप में कुछ तो मैं ऐसी अकेली बात। छोड़ के अपने गांव के बाहर निकली हूँ। फिर सोचो यार, आप पे मेरे को तो बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा रियली, मतलब ये बात मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सचमुच में इतना आसान नहीं होता है। हर 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 जगह आपको लड़ना है, आपको कॉलेज में लड़ना है, आपको घर से निकल रहे हो तो घर वाले से लड़ना है, आपको हॉस्टल में लड़ना है, मतलब लड़ाई लड़ाई हर हर जगह पे आपको लड़ना है। आपको पहली बात तो आप गाँव से शहर में आ रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, सोचो आप तो कितना मुश्किल होता है, और आपको 100 लोग बहुत गाली दे रहे मुश्किल हैं। गांव में लोग वो चुगली उगली भी करते रहते होंगे, यार इसकी उगली लड़की ने, हाँ अभी तक के शादी नहीं हुई है उसकी। लोगों को ना दूसरों से बहुत ज्यादा मतलब होता है। अच्छा या ऐसे खाली कोई पीले रहते किस्सा, वो अभी ना जैसे ना कोई किस्सा जो आप हमको सुना पाओ, है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ सीख मिले किसी को, जो आपके साथ में हुआ हो या किसी और के साथ में हुआ हो, जब आप बता सकते हो ये उससे आपने कुछ सीखा, या कोई ऐसा इंसान कुछ भी मतलब जो आप सुना सको या बता से सको, याद आ रहा है ऐसा कुछ? ऐसे किस्से तो बहुत है पर अभी कौन सा बताऊँ सोच रही हूँ नहीं कोई भी मतलब, जैसे होता है ना कि आप 10वीं में थे 11वीं में थे, मतलब कुछ सीखा हो, कुछ ऐसा जो ना आपके दिल में दबा हुआ है और आप बता भी सकते हो। मैं प्राइवेसी पे नहीं जा रहा हूँ, जैसे कुछ कुछ चीजें नहीं बता सकते हम, लेकिन ऐसी चीजें ना जो हम बता सकते हैं सचमुच में, वो चीजें कि आप बताना चाहते थे, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आप बता सकते हो।
अभी जैसे मैं जॉब करी उसके बारे में बता सकती हूँ क्या? बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि मुझे थोड़ी बहुत पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने घर में मांगा तो पापा ने बोला कि देखे बेटा मैं देती यानी देती हूँ, ऐसा नहीं बोला कि वो मुझे कभी ना नहीं बोलते हैं, ऑलवेज कम यानी कभी 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 भी वो देते हैं मुझे। तो तब ऐसे हुआ था कि सिचुएशन बहुत खराब थी घर में, तो मैं भी बोले क्या करूँ ऐसा सोच रही थी। तो मैं बताती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में मैंने घर काम भी किए हैं, मैंने किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन वो भी मैंने काम किए हैं यहाँ पे रह के। तो स्थिति में यानी देखो मैं ऐसा सोचती यानी मेरे पापा मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैं अभी छोड़ छाड़ के जाती यानी जाती थी कोई लड़की, पर मैंने सोची मैं गांव में जाके भी क्या कर लूंगी ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और अपना ये सिचुएशन हैंडल कर लेती हूँ, ऐसे मैंने सोच के घर काम किए, 1 साल काम किया मैंने और जो सिचुएशन है मैंने हैंडल की, अपने जो काम है वो मैंने पूरा किया। फिर उस सिचुएशन मैंने अपने लिए साइकिल ली, फिर उस साइकिल से फिर मैं अपने कॉलेज के लिए भी जा सकती हूँ, हर एक प्रॉब्लम भी जो भी काम रहा मैं उस साइकिल से जाती हूँ, हर एक काम कर लेती हूँ। उस सिचुएशन मैंने बहुत तरीके से हैंडल की, मैंने वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत बहुत यानी हार्ट दिमाग में हाँ है। कोई नहीं यार, मतलब देखो आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है यार। अब लोग देखो कितना वो गलत इस्तेमाल करते उस चीज का, और आप किस लेवल पे अपने आप को आप मैनेज कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे। कोई नहीं यार विद्या, लव यू। मतलब इतना बहुत आई डोंट हैव वर्ड है ना, मतलब स्पीचलेस, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ पा रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है। मतलब बोलना बहुत आसान होती है ना कि ये वो, मतलब आप देखो कितनी लड़कियां हैं आपकी उम्र की, कितने लड़के हैं अय्याशिया कर रहे हैं, और आप देखो वही सचमुच। मुझे एक ही संदेश देना है कि कोई भी सिचुएशन आए ना थोड़ा यानी ठंडा दिमाग के सोच से यानी वो हैंडल करनी चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए आदमी ने कभी भी, क्योंकि सिचुएशन आते तो हम इतना हम स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि जितने भी सिचुएशन आए हम उसके लिए तैयार है, आ जा कोई भी प्रॉब्लम रहे यानी ऐसा बताते हो। अभी अभी मैं उतना डेवलप हो गई है, कोई भी सिचुएशन आया ना मैं हैंडल कर लेती हूँ, घर में नहीं बताती हूँ। तो ज्यादा हुई तो ठीक है बता लेती हूँ, पर छोटी छोटी बात को बताना घर ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। मतलब मैं तुमसे आई थिंक एक ही बार मिला हूँ और लाइक बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि मतलब ना सच में कमाल का डेवलप किया यार आपने अपने आप को इमोशनली। इतना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना सिचुएशन आपको बना देती है, आप बनना चाहो या ना बनना चाहो। तो खुद जैसे आपने स्ट्रगल में फेंक दिया, झोंक दिया आपने आपको, अब जो होगा वो होगा। लेकिन सच में यार मतलब एक इंस्पिरेशनल हो, है ना। कितना लोगों को सीखना चाहिए ऐसे जो बच्चे होते हैं यार, सचमुच में आसान नहीं होता है। जैसे आप गांव के बारे में बता रही थी, वहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है यार, वहाँ घर से नहीं निकलने दिया जाता, और आप शहर में आके पढ़ रही हो। जो भी लड़की ना गांव से शहर में आके पढ़ती है, सल्यूट यार उनको, क्योंकि उनने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है तभी जाके उनको ये मौका मिला है। ऐसा है, सपना तो यूपीएससी क्रैक करने का ही है आपका, और हम चाहते हैं तुम बनो कलेक्टर। यदि ना भी बन पाओ तो बहुत बढ़िया इंसान हो। ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है यार विद्या। आज मतलब देखो कितना कुछ हो रहा है, लेकिन आप डटे हुए हो। आप पता है हारना, देखो जब तक ना हम हार नहीं मानते तो हमारी हार नहीं होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, ये है कि आप तय करते हो, है ना। क्योंकि यदि आप इस तरीके से कुछ तो अच्छा हो जाएगा यार लाइफ में। मांगता तो हर कोई है ना भिखारी जैसे, कि नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर भी यहाँ MSW करते करते ये सीख गए कि आप गांव में गए, आपने अपना समय दिया, आपने अपना वैल्यू दिया वहां पे, वहां जो आपके अंदर देने की एबिलिटी है, आप मांग नहीं रहे हो किसी से कुछ। नहीं बहुत अच्छा है, मतलब
ग्रेटनेस मतलब कैसे क्या, मतलब मेरे को ये समझाओ ना थोड़ा, मतलब मेरे को समझाओ ये क्या माइंडसेट क्या होता है, जैसे आप प्रॉब्लम में रहते हो तो माइंडसेट क्या होता है आपका। माइंडसेट ये होता है एग्जांपल देता कि हूँ, ठीक अभी है। हम्म, प्रॉब्लम तो आ गई है, उससे तो कोई मुंह मेड़ के तो जा नहीं सकते हैं, हैंडल तो करना ही है। तो फिर यानी नहीं हैंडल हुई तो फिर किसी से यानी हेल्प ले लेते हैं कि कैसे करूँ भाई, ये कैसे हुआ, यानी किसी से हेल्प ले लेते हैं थोड़ा। फिर पता नहीं पर कर लेती हूँ, कोई भी सिचुएशन आई ना तो यानी पता तो है कि खुद को ही करना है, तो फिर वो कैसे भी सिचुएशन आए तो यानी जैसे जमा वैसा कर लेती हूँ। वो भी मुझे भी हैंडल नहीं कर पता, लेती फिर मुझे वो तुमको पावर कैसे आता है तो पर वो कर लेती हूँ मैं। हूँ। अच्छा, सही बात है यार। अब हम लोग हैं इस पॉडकास्ट के एंड में। अभी कोई जैसे गांव के बच्चे हो, शहर के बच्चे हो, कोई भी बच्चे बच्चे हो आप, मतलब जो आपको सुन रहे हो, उनको अच्छा सा मैसेज दे दो कोई बहुत बढ़िया वाला। अच्छा, उनको यही मुझे कहना है कि कैसे होता है कि अपने जो गांव में सिचुएशन है वो उनको हैंडल, अपने पेरेंट्स को तो हम यानी अवेयरनेस तो कर सकते हैं, पर वो जो चेंज करने है ना, वो बदलाव करना है ना, तो खुद को ही करना है। यानी हमें कारण नहीं देना है, नहीं तो हम देते ना कारण कि मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास गाड़ी नहीं था, ये नहीं था, तो इसलिए मैंने जा नहीं सकी पढ़ाई के लिए, ऐसा वैसा। वो कारण नहीं देना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं, और करती हर एक लड़के हर एक लड़का कर सकता है, उनके यानी उतना उनके लिए पावर रहता है, पर वो कैसे क्या बोलते देख नहीं सकते खुद को। खुद को यानी देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, खुद को समझना चाहिए, खुद और की किसी एबिलिटी भी, पहचानना हाँ उनको समझना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन है ना तो हैंडल कर सकते हैं, बस वो खुद को समझना चाहिए यानी खुद को समझ ले ऐसे, चाहिए। अभी तुम्हारे से और खुद को कभी रिलेटेड कम ना समझे, कोई भी सिचुएशन है वो हैंडल कर सकते हैं। सही बात है। आई रियली रियली प्राउड ऑफ यू, और जो सुन रहे हैं आपको, उनको भी आप पे प्राउड होना चाहिए। हर परिस्थितियों से आपने लड़ा है, यहाँ तक पहुँचे। मेरा मानना ये है कि मैटर नहीं करता आपने ज़िंदगी में क्या पाया, लेकिन मैटर करता है आपने कितना लड़ा। क्योंकि जब आप लड़ते हो तो आप निखरते हो, आपका व्यक्तित्व निखरता है। मैं जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों के बाद मैंने बोल दिया था विद्या को कि यदि आपको कोई मदद लगी तो हमें बताइएगा। ये लड़की में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। इन्होंने कहा था ठीक है, आपको भी लगे तो बताइएगा। इससे ये शो होता है कि आपकी मेंटेलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। दिस इज रियली अ कमेंडेबल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मेरा तो मतलब सल्यूट है आपको। इट इज माय प्लेजर, और ये मेरा नसीब है कि आपने हमको दिया पॉडकास्ट। और ये और कुछ कहना चाहोगे? और बहुत कुछ है कहने के ठीक है, यदि लिए आपको कुछ कहना होगा लाइफ। ना तो लाइक टेल मी, हम लोग और पॉडकास्ट बना लेंगे, अपना ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करो, और चैनल वैनल को सब्सक्राइब करो यदि हो सकता है तो। थैंक यू विद्या, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य मतलब कीमती समय दिया। थैंक यू भैया। हाँ नहीं नहीं कुछ, ऐसा हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लोगों का सुनने के लिए शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। हाँ, थैंक्स अ लॉट।